हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है, तो हर एक टाइप पे हम लोग पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन बनाते जाएंगे ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर पाइए। तो देखिए, बेसिक तो सबसे पहले आप लोग इतना तो जानते होंगे कि जो डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम होता है, दूरी जो होता है चाल इंटू समय होता है ना। अब इसी को यहाँ से टाइम को इधर ले आए तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, है ना। अगर हम स्पीड को इधर ले आए तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो इतना तो बेसिक जानते हैं, टाइम का यूनिट होता है सेकंड में, मिनट में, चाहे आवर में, है ना। डिस्टेंस का मीटर में और स्पीड का मीटर पर सेकंड में, है ना, और किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। ये तो बेसिक जानते हैं सब लोग। चलिए नेक्स्ट, यूनिट कन्वर्ट करने के लिए पहले ही से आप लोग, क्योंकि जमाना फास्ट है, आपको जल्दी बनाना होता है, तो इतना आप कन्वर्ट करके बैठेंगे नहीं, डायरेक्ट याद रखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 5/18 करना है कि 18/5 करना है। तो इसका ट्रिक देखिए, किलोमीटर से आपको क्या करना है, मीटर करना है। बड़ा करना है छोटा करना है, छोटा करना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, ठीक है ना, 5 ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यार मीटर से बड़ा करना है किलोमीटर, तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए डिस्टेंस जो अगर हम अब हर एक चीज में हम लोग अभी पहला टाइप जो पढ़ जा रहे हैं उसमें रेशियो पढ़ने जा रहे हैं, तो कोई भी हम लोग का तीन क्वांटिटी आया हुआ है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगा तो बाकी दोनों आपस में रेशियो में रहेगा, ये पढ़े आप लोग। तो अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट में रहेगा तो स्पीड इंटू टाइम, बॉयस ला पढ़े थे P1V1 बराबर P2V2, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था ना। तो वैसा ही है ये भी, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पर स्पीड इनवर्सली है टाइम के और टाइम इनवर्सली होगा स्पीड के। तो इसको ऐसे भी बना के लिख सकते थे, S1T1 डिस्टेंस लिख सकते हैं, S2T2 भी लिख सकते हैं, और दोनों जो है डी के ही बराबर है, S1T1 बराबर S2T2। तो S1/S2 करेंगे तो यहाँ टाइम पलट जाएगा, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अगर उसके अलावा बाकी कुछ भी कांस्टेंट हो डायरेक्टली होगा, ध्यान रखो, ठीक है ना। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये 1:2 है तो ये भी 1:2 ही होगा, रेशियो पे ही सारा हिसाब बनेगा। देखिए नेक्स्ट, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो इसमें भी क्या होगा, डायरेक्टली होगा, खाली प्रोडक्ट वाला में इनवर्सली है, डिस्टेंस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन पे आ जाइए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, क्लियर नहीं दिख रहा, इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए, दो बॉडी का रेशियो कितना में है, स्पीड लिखा हुआ है 2:3 में है, और डिफरेंस जो है उसके टाइम को कवर करने में 50 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, 10 सेकंड है, तो स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। इसका मतलब हमको डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, तब हमको टाइम और स्पीड की बात करना है, डिस्टेंस को तो भूल जाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, 2:3 क्या चीज है आपका, स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अभी पढ़े हैं हम लोग, पलट जाएगा, तो टाइम का रेशियो 3:2 है, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों में अंतर कितना का है, एक यूनिट का, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफरेंस जो है 10 सेकंड है टाइम का, इसका मतलब इसके एक यूनिट जो है 10 सेकंड के बराबर। तो हमसे पूछा क्या था, स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड का डिफरेंस कितना का है, एक का, तो 10 एक का, तो वही एक जो है कितने के बराबर है, 30। ये टाइम हमको पता चल गया ना कि ये पहला तीन वाला जो है 30 सेकंड होगा, है ना, और इसका डिफरेंस जो है 1 है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 जो है कितने के बराबर आएगा, 1 कितने के बराबर आएगा इसमें, ये हमको पता चल गया कि 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50/30 मीटर, 50 मीटर देखिए, क्योंकि हमको इतना पता चल गया है ना कि 50 मीटर डिस्टेंस है, और 30 सेकंड टाइम लगा, तो स्पीड कितना है, मीटर पर 2 जो है 50/30 बोले तो 5/3 के बराबर है, 2 यूनिट पता चल गया, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, बाय 2 कर देंगे तो 5/6 होगा, तो ये डिफरेंस कितना हुआ, 5/6। तो रेशियो से हिसाब को आप बहुत जल्दी बना दिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो 2:3 रेशियो दिया हुआ था स्पीड का, टाइम का हमको पता चल गया 3:2, टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में 10 सेकंड था, इसलिए हमको इसका एक यूनिट जो है, इसका डिफरेंस एक आया, तो इसका डिफरेंस एक जो है वो 10 सेकंड के बराबर है,
इसका मतलब कि ये टाइम 30 सेकंड के बराबर है। अब ये टाइम 30 सेकंड के बराबर है और डिस्टेंस 50 है, तो स्पीड ये दो पहला वाला स्पीड कितना के बराबर आएगा, 50/30 बोले तो 5/3 मीटर पर सेकंड, 5/3 मीटर पर सेकंड दो के बराबर है। हमसे पूछा था क्या डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है एक, तो एक के बराबर क्या हो जाएगा इतना बाई टू, तो 5/6 5/6 हो जाएगा, समझ गए। तो रेशियो से बहुत जल्दी हिसाब बनता है, कॉपी कलम भी छूना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 घंटे में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट रखा स्पीड, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 630 किलोमीटर एट द सेम स्पीड इज, यहाँ पे रेशियो किसका लेना है डिस्टेंस और टाइम का, तो डायरेक्ट एक ही लाइन का हिसाब था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्यों एक लाइन का हिसाब है बताइए, कितना हो जाएगा 2×2=4, 5/2 है ये, और अगला टाइम हमको 5/2 बोले तो 2.5, और डिस्टेंस का रेशियो कितना है 225 और 630, इसको काटिए 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 25 से 5 बार में, और ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25 दूनी, देखिए हमको हमको निकालना क्या है D1/D2 जो होगा और T1/T2 जो होगा, ये खाली पता करना है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो हमको यही दोनों में चर्चा करना है। तो D1/D2 कितना है 225 तो 225 = 630, ये कितना बार में कटेगा चलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, 5 से पहले काटिए, ठीक है ना, 5×20 2×5 5×9 और फिर ये 5×5 1×3 5×2 10 3×0 45 5×5 1×3 5×2 10 3×0 126 और कटेगा 14 से कट जाएगा 14×8=9 3 से कट जाएगा 3×12 और 3×2=6 और ये 3 से कटेगा 15 और भी अभी कटेगा 3×14 और 5 तो 5:14 आकार डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस का रेशियो पता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस के अलावा और कोई भी चीज कांस्टेंट हो जो रेशियो उसका होता है वही रेशियो अगले वाले का भी होगा, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का भी रेशियो वही होगा। तो जब यहाँ पे 2.5 घंटा दे रहा है 2.5 इसका इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा हुआ तो ये भी आधा होगा तो 7 घंटा हो जाएगा, समझ में आ रहा, खाली रेशियो का खेल था, ठीक है। अभी जो जिसको प्रैक्टिस रहेगा वो 5:14 डायरेक्ट काटेगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है 1 घंटा 20 मिनट लेती है दो स्टेशन के बीच में जाने में, पी और क्यू के बीच में, 2/7 भाग जो है अपना यूजुअल स्पीड से जाती है, तो कितना वो और समय लेगी पी और क्यू को जाने में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या कॉन्स्टेंट है डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो हमको स्पीड टाइम का रेशियो क्या होता है इनवर्सली उल्टा होता है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो पहले पता कर लीजिए कितना है, पहला वाला जो है पहला वाला स्पीड टाइम का रेशियो ऑलरेडी डायरेक्ट दे दिया है 2/7, तो इसका मतलब टाइम का रेशियो 7/2। अब इसमें किसका दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट बोलो तो कितना मिनट, 80 मिनट 80 मिनट किसका लेता है ये 2 वाला, तो 7 वाला कितना लेगा, कितना गुना हुआ ये 40 गुना, ये भी 40 गुना होगा 280 मिनट, तो 280 मिनट का मिनट में निकालिए 4 घंटा 40 मिनट, समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट, ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 11/6 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिन, रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स बिफोर द यूजुअल टाइम टेक्स, इसमें कैची का डिस्टेंस सेम है, ऑफिस जा रहा ऑफिस से आ रहा, तो नॉर्मली स्पीड जो है 11/6 टाइम्स है, इसका मतलब कि स्पीड का रेशियो तो हमको दे दिया, पर टाइम का रेशियो पलट जाएगा 6/11 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑफिस जो है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब कि दोनों का डिफरेंस दिया है 20 मिनट, है ना, तो 11-6 5 का वैल्यू 20 है, 1 का वैल्यू 4, हमको तो 11 का पूछा था ना, 11 का वैल्यू 44, समझ में आ रहा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक कार कवर्स 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर्स, इन व्हाट टाइम विल इट कवर डबल द डिस्टेंस व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज बाय 20%, ठीक है, यहाँ भी डिस्टेंस को सेम करेंगे, तो डिस्टेंस को सेम करेंगे, स्पीड 20% बढ़ाता है, तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, इंक्रीज हो रहा है मतलब 120, तो 120 को हम लोग 6/5 लिख सकते हैं रेशियो में, इतना बेसिक बता होगा,
120 को 1.2 को हम लोग 6/5 लिख दिए। अब इतना हमको पता है कि जब ये स्पीड है तो टाइम उल्टा होगा, क्योंकि यार डिस्टेंस कांस्टेंट ले रहे हैं। ये डबल वाले में हम पहले सिंगल है वही निकाल के जा रहे हैं, हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि डबल द डिस्टेंस बोला है तो हम इसको सबको दुगना कर देंगे पहले ही, ठीक है ना। तो ये 6/5 है तो पलट जाएगा टाइम, 5/6 हो जाएगा। और ऑलरेडी पहला दिया हुआ है कि 1.8 आवर्स लगा है, इतना तो नॉर्मल टाइम था नॉर्मल डिस्टेंस के लिए। अब इसको डबल करना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अच्छा तो टाइम निकल गया। समझ में आ रहा बात, खाली रेशियो से हमको डायरेक्ट बन गया 3 आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखो मैन है जो है सिटी एक्स से सिटी वाई जा रहा, अगर वो 25% ज्यादा स्पीड से चलता तो वाई से 15 मिनट पहले पहुंच जाता, तो कितना मिनट जो है वो लेट पहुंचा अगर 40% स्लो स्पीड से चलता। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस। तो टाइम और स्पीड उल्टा भागेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 25% 40% स्लो जाता मतलब 2/5, 40% स्लो मतलब 2/5 होता ना 40 का, 40/100 को 2/5 लिख सकते ना, और 25% का क्या लिखेंगे 125, तो बोलो तो 4/5। तो ये पहला वाला केस क्या है, 25% फास्ट वाला है ना, तो 4/5 है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 मिनट। तो ये इसका मतलब कि डिफरेंस जो है 1 जो है 15 मिनट के बराबर है, तो 5/75 मिनट के बराबर आया। इतना समझ में आ गया। अब अगला बार बोला है 40% स्लोअर मतलब 2/5 है ना, तो 2/5 है तो स्लो हो रहा है, तो अगला एक ई 5 रखेंगे तो 2 घटेगा तो 3/5 हो जाएगा, स्लो कर रहे हैं ना हम। जैसे यहाँ पे 4/5 क्यों हुआ, एक्चुअली 25% तो 1/4 होता है, लेकिन 1/4 था तो इसको जो है 25% बढ़ा दिए तो +1 हो गया, तो ये हो गया 5/4। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, स्लो हो रहा था ना 40%, तो 40% का वैल्यू तो 2/5 होता है, स्लो हो रहा था इसका मतलब क्या करेंगे, -1, +1 के बदले -1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/5 है ना, 7/5 मैंने 1 से घटा देंगे अगर स्लो हो रहा है, 60/50 वैसे तो वो सब डायरेक्ट रेडीमेड होता है, नए बच्चों के लिए सब है। तो अगर 5 है तो 3 हो गया है ना, 2 कम गया तो 3/5, लेकिन 3/5 तो किसका रेशियो आया, स्पीड का, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा 5/3। तो हमको पता है कि 5 का वैल्यू 75 है और यहाँ पर वही वैल्यू यही रहेगा, ठीक है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 का वैल्यू कितना निकलेगा बताइए। नहीं यहाँ पे क्वेश्चन समझ में, समझिए पहले, ये थोड़ी 15 मिनट दिया है पहले, इससे तो हमको बेसिक पता चल गया कि इसका वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे इसी का वैल्यू 75 ना होगा, तो 1 का वैल्यू 25 आया ना, तो 2 का वैल्यू 50 होगा ना, 25। समझ में आ रहा बात कि नहीं, समझे फिर से समझिए। जैसे टाइम का रेशियो हमको पता है, टाइम का रेशियो कितना था 5/4, अरे सॉरी स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो 5/4 था, तो टाइम हो गया 4/5, पलट गया तो 4/5 हुआ, दोनों का डिफरेंस 1 हुआ, 1 का वैल्यू दिया हुआ था 15 मिनट डिफरेंस, तो ये 1 का वैल्यू 15 मिनट हुआ, तो 5 का वैल्यू 75 मिनट, ओरिजिनल टाइम तुम्हारा पता चल गया ना कि ओरिजिनली 75 मिनट ले रहा था लेने। अब अगले बार में क्या हुआ, अगले बार में 40% स्लो स्पीड हो गया, तो ये कितना हो गया 3/5 टाइम हो गया, ये स्पीड हुआ, स्पीड 3/5 हुआ, तो टाइम हो गया 5/3। तो ओरिजिनल ये वैल्यू 75 मिनट हमको पता है कि ओरिजिनली ये है, लेकिन बाद में स्पीड ये डिफरेंस कितना का हुआ, 2 का, तो जब 3 का वैल्यू 75 है तो 2 का वैल्यू कितना, 25 × 50। समझ में आया बात। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मली प्रोसेस से बनाइएगा ना, तो बहुत टाइम भी लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार जो है कुछ डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से गया इतने घंटे में, अगर स्पीड को हम बढ़ा दिए 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और सेम डिस्टेंस जो है 18 घंटे में कन्वर्ट किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया। सबसे पहले तो हमको टाइम स्पीड निकालना पड़ेगा, यहाँ डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो क्या रेशियो होगा, स्पीड टाइम पे चलेगा है ना। तो हमको टाइम का रेशियो दिया हुआ है 19.2 और अगला कितना है 18। तो टाइम का रेशियो 19.2 18 है, तो ये वाला पलट जाएगा, स्पीड पलट जाएगा, इसको काट दिया है
19.2 को जीरो ले लिया तो ये 12 से काटा तो 12 15 ही है और 12 16 ही है, तो 16:15 आपका टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो 15:16 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम का रेशियो से स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। चलिए 15:16 अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्पीड बढ़ गई 8 किलोमीटर पर आवर से, कहाँ बढ़ गई ये, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर, स्पीड इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब की डिफरेंस दोनों का डिफरेंस यही ना हुआ, बढ़ गया मतलब पहले से और बाद वाला का डिफरेंस, तो 16-15 एक का वैल्यू 8 है, तो जब एक का वैल्यू 8 है तो डिफरेंस का वैल्यू 8 है, दोनों का डिफरेंस का वैल्यू 8 है, तो एक का वैल्यू 8 है तो हम खाली 8 से गुना कर देंगे, बाकी जो है डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस का क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमको कितना है क्या उसको बोलते हैं 19.2 आवर्स है ना यहाँ, तो 19.2 और एक का वैल्यू 8 था तो 15 का वैल्यू 15 × 8 = 120 ओरिजिनल टाइम तो यही है ना हमारा, बाद में डुप्लीकेट टाइम आया, तो पहला वाला टाइम पहले वाले से निकालो चाहे दूसरे वाले से निकालो जैसे भी मन है, तो हम पहले दोनों का पहला वाला ले रहे हैं ठीक है ना, तो एक का वैल्यू तो पता चल गया कि डिफरेंस 8 है क्योंकि ये दिया हुआ था, दोनों का डिफरेंस स्पीड का 8 है तो टाइम वाला भी 8 होगा क्योंकि रेशियो पलटा हुआ है, वो दोनों एक है, डिफरेंस दोनों का एक है, तो एक का वैल्यू 8 है तो 15 का वैल्यू 120 हो जाएगा है ना, तो हमको टाइम पता चल गया कि 120 ये क्या है, अरे सॉरी स्पीड पता चल गया कि हमारा स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड को हम टाइम से गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, तो टाइम पहला वाला कितना दिया था 19.2 आवर्स, 19.2 से गुणा कर दीजिए डिस्टेंस मिल जाएगा 3.04 और नहीं भी किए डायरेक्ट आंसर भी मार सकते थे, 120 क्या है 12 का मल्टीपल, अच्छा ऑप्शन हाँ, में चेक करेंगे कि 12 चाहे 4 का मल्टीपल कौन होगा, तो 4 का मल्टीपल में बस 2 ही बचा था, अब 3 का भी मल्टीपल होना था तो बस उससे भी बच सकते हैं, नहीं तो फिर निकाल लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन से भी मार सकते थे यहाँ तक लाके अब देखिए एक कार है 50 मिनट समय लिया एक डिस्टेंस को कवर करने में इतने स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर से, अगर स्पीड को फिर बढ़ा दिए 25% स्पीड को बढ़ा दिए तो कितना समय लेगा 3/4 डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है देखिए इसमें क्या करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर 3/4 डिस्टेंस हमको कवर करना है और रेशियो हमको किसका रेशियो पता दिया हुआ है, पहला वाला बात कीजिए इसमें किसका 25% रेशियो 25% किसका है स्पीड का, स्पीड का उसका हमको चाहिए, पूछा क्या है टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड तो डिस्टेंस बाई स्पीड खाली कर देंगे तो 3/4 और ये हमको पता है स्पीड 25% का कितना हो जाएगा 1/4 बढ़ गया है इसका मतलब कि 5/4 है ना, देखिए तो यहाँ पे ओरिजिनल टा आपका 50 था 50 मिनट समय लिया था, अब एक्स्ट्रा ये कितना गया 25% बढ़ गया तो 25% 3/4 भाग दूरी है ना सर, हाँ दूरी का 3/4 भाग तो 3/4 तो करना ही है तो इतना तो हमको करना ही है इनटू, अब ये 5/4 था है ना, लेकिन हमको क्या चीज से पकड़ना है टाइम से, तो इसको पलट इसका रेशियो 5/4 है तो टाइम का रेशियो 4/5 होगा तो सीधा सीधी डायरेक्ट निकल जाएगा इससे आपको 30 मिनट टाइम, ठीक है तो रेशियो से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके वैल्यू को आंसर आ जाएगा, खाली रेशियो पकड़ना आना चाहिए आपको। अच्छा स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, रघु जो है अपना जर्नी कंप्लीट कर रहा है 2 घंटा 28 मिनट में, अगर वही डिस्टेंस को 1 घंटा 36 मिनट में करना चाहता है तो कितना स्पीड लेगा, फिर वही है डिस्टेंस सेम हो गया टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर कर दीजिए आ जाएगा है ना, देखिए टाइम का रेशियो पहला कितना था 2 घंटा 28 बोलो तो 148 मिनट और अगला 4 आया 60, 36, 96 मिनट इसको काट दीजिए 4 से 24 और 37 आ गया, तो जब टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो पलट जाएगा 24:37 अब एक वो स्पीड दिया होगा जरूर दूसरा निकल जाएगा, एक वो 48 है ये 48 है कितना गुना हुआ दो गुना तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा वो 74 हो जाएगा ठीक है ना। नेक्स्ट ये जो है 2 घंटा ज्यादा लेता है बी से एक 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में,
ये जो है अगर स्पीड को बढ़ा देता है तो डेढ़ घंटा ज्यादा लेता है, ठीक है। अगर स्पीड को दुगना कर दिया अपना तो डेढ़ घंटा ज्यादा लेगा 20 से 80 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो 90 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे डिस्टेंस टाइम स्पीड सभी वेरी करा दे तो हमको एक को कांस्टेंट रखना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया 40 किलोमीटर, यहाँ पे 80 किलोमीटर, तो इसको भी हम 80 कर देंगे। हाँ। तो 80 कर देंगे तो ये चार गुना हो जाएगा। हम्म, तो बस वो दोनों इक्वेट करके रेशियो ले लेंगे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला, बी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है ना। बी को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो इसको जब हम 80 करेंगे तो ये चार घंटा लेगा, कांस्टेंट रखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशियो फिर कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ ए, तो रेशियो स्पीड का बताइए, स्पीड कितना ले रहा है, डबल कर रहा था ना, डबल कर रहा है, तो 1:2, 1:2, हाँ डबल हो रहा है, तो टाइम हो जाएगा 2:1। दोनों का डिफरेंस कितना बताया हुआ है, ये चार घंटा ले रहा है, ये डेढ़ घंटा ले रहा है, हम डिस्टेंस सेम रख लेंगे तभी रेशियो पता चलेगा। हाँ। तो डिस्टेंस सेम रखने के लिए चार घंटा लिया और ये डेढ़ घंटा लिया, तो डिफरेंस कितना हुआ, अढ़ाई घंटे का, 2.5। हाँ। तो दोनों का डिफरेंस जो है अढ़ाई घंटे के बराबर आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन था ये चार घंटा, ये अढ़ाई घंटा, ये डेढ़ घंटा, तो ये एक का वैल्यू अढ़ाई घंटा आया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो बी कितना समय लेगा, यही ने पूछ रहा है। तो हमको इतना पता चल गया कि मतलब 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर में है, क्या बोलते हैं, एक का डिफरेंस 2.5 है, तो फिर आपका जो है 90 किलोमीटर चलने में उसको कितना घंटा लगेगा, 90/80 हो जाएगा, मतलब 80 को 1 घंटा लगेगा। पहला शुरुआत वाला जो है, जैसे देखिए शुरुआत वाला में कितना रेशियो था, 2, एक का अढ़ाई है तो 2 का 5 है ना, तो वो डिफरेंस कितना हुआ, 5 और 4 1, तो सीधा सीधी तो ये 1 आवर हो जाएगा, तो 90/80 मतलब कितना टाइम हुआ है 80 का, 1 आवर उतना टाइम ये भी हो जाएगा। 90 का तो हम लोग निकाल दिए थे ना, 80 का 90 का लिए उतना गुना कर देंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन है जो ए प्लेस से बी प्लेस में जा रहा है, ठीक है, 2 बजे, स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर से, और फिर बी पे डेढ़ घंटा ठहर गया जाके, और फिर रिटर्न हुआ ए में, है ना, फिर रिटर्न आया ए में और 6 किलोमीटर का स्पीड से आया और केम बैक फिर ए पे आया 7 बजे, है ना। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए इसका सीधा सीधी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, जब ए से बी पे जाता है कोई डिफरेंट स्पीड से और बी से ए पे आता है कोई डिफरेंट स्पीड से h2 से और टोटल टाइम उसको टी लगता है, तो सीधा सीधी इसका जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है h1 h2 / h1 + h2 × t। अच्छा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, h1 कितना था आपका 4.5, h2 कितना था 6, और दोनों को जोड़ेंगे 4.5 और 6 10.5, दोनों सॉल्व कर लीजिए इनटू टाइम, टाइम जो है आपका कितना लग रहा है, टोटल डिफरेंस इन टाइम मतलब 2 बजे और यहाँ 7 बजे, तो 2 बजे और 7 बजे डिफरेंस कितना आया, 5 घंटा, लेकिन बीच में 1.5 घंटा होता है, इफेक्टिव टाइम तो 3.5 घंटा हुआ, 3.5 से गुणा कर दिए, सॉल्व कर लीजिए, 9 डायरेक्ट कट किया जाएगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब बताइए, एक पर्सन है जो डेस्टिनेशन जो है 32 मिनट लेट पहुंचता है अगर स्पीड 6 किलोमीटर से चलता है, और अगर 18 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर 7 से चलता है, तो डिस्टेंस बताइए कितना है, ट्वाइस उसका दुगना डिस्टेंस, है ना, वही रेशियो पे चलेगा ही, देखिए डिफरेंस है डी इनटू, हां पहले तो हमको डिस्टेंस ये फॉर्मूला से, अगर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देरी से और लेट से पहुंचने वाला, पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था,
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक जगह जा रहा है फिर वापस से, फिर वापस से वहीं आ रहा है h2 स्पीड से, है ना। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, ये वाले क्वेश्चन में भी s1 स्पीड से जा रहा है t1 टाइम में, फिर वहीं से फिर दोबारा दूसरा भी जा रहा है, दोनों का अलग अलग मतलब वापस नहीं आ रहा है, जा रहा है ये भी जा रहा है, है ना। उस केस में यहाँ प्लस की जगह पे माइनस होगा और टाइम का जो है वो डिफरेंस ले रहे, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधे, 6 into 7 divided by 6 plus 7, हाँ, plus 6 minus 7, हाँ, और डिफरेंस एग्जैक्ट कितना निकलेगा, 32 minus 18, इसलिए 50 आ जाएंगे ना, वो पहले लेट पहुंचेगा, वो एक को पकड़ लीजिएगा, 50 divided by 16 तो 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50 और डिवाइडेड बाय मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं, नहीं नहीं 50/60, इसको दो टाइम से मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि ट्वाइस पूछा था क्वेश्चन, डिस्टेंस को ट्वाइस पूछा था, तो इसको 50/60 कर दिया, 6 और 7 दिया हुआ था, फॉर्मूला लगा दिया, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, समझ में आया, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, H और O के बीच का डिस्टेंस जो है d है, अच्छा ठीक है, और एवरेज स्पीड जो है H और O स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब एक सुनिश्चित टाइम दिया हुआ है, एस है, है ना, और मिनिमम 20 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, ज्यादा यूजुअल टाइम से 60 के एमपीएस से चल रहा है तो, और 44 मिनट्स पहले हो जा रहा है अगर 75 किलोमीटर से चल रहा है तो, डी और एस का न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें दो क्वेश्चन मर्ज किया हुआ, कुछ भी नहीं है, देखिए वही फॉर्मूला ना, वही फॉर्मूला है, आधा आधा है, तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए टाइम स्पीड कितना कितना दिया है, डिस्टेंस तो सेम है, 20 मिनट्स मोर टाइम देन यूजुअल इंटरवल, 60 के एमपीएस और अगला 75 के एमपीएस, स्पीड 60:75 है, इसको काटेंगे तो 4:5 से कट जाएगा 15 से, तो टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस जो है 1 आ रहा है, तो 1 कितने के बराबर है, 20 मिनट लेट हो रहा था, 20 मिनट मोर ले रहा था, 20 मिनट मोर टाइम ले रहा था, इसका मतलब कि वो कितना ले लेगा, और यहाँ पर ले रहा था अगला वाले में 44 मिनट्स अर्ली, तो 44 और 20 दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक मोर है एक अर्ली है, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो 44 और 20 64 मिनट, एक का वैल्यू 64 मिनट है, ठीक है, तो 5 का वैल्यू 320 मिनट होगा, तो हमको एक एक वैल्यू मिल गया, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पूछा, आगे और बढ़ा दिया क्वेश्चन, आगे यहाँ तक बढ़ाने के बाद पूछ रहा है कि डी का भी वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, हाँ स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू 32, हाँ तो स्पीड अब 60 का ले लिए और टाइम 320 मिनट था, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना था, 320/60 कट गया, सीधा सीधे 320 आ जाएगा, एक तो समझ में आया कि डी का वैल्यू 320 आ गया, अब एस का वैल्यू पता करना है, एस का वैल्यू 320 आ गया ना, एस का वैल्यू अभी नहीं आया, देखिए एस 320 तो डी आया, दूरी डिस्टेंस 320 मिनट भी है ना सर, तुम देखिए ना एस टाइम है ना, वही एस बोले तो टाइम, एस बोले तो स्पीड, नहीं बोले तो टाइम, देखिए स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम ये करके डी निकल गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ए इन एस्टिमेटेड टाइम इज एस, एवरेज स्पीड अभी हमको पता कहाँ है, अच्छा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एस है, समझ में आया, तो नेक्स्ट देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, ठीक समय, आप देखिए यहाँ पे सुनिश्चित समय में एस चलता है, वो ऐसे कैसे पता चलेगा आपको, तो हमको टाइम पता चल जाएगा, देखिए टाइम 320 मिनट ले रहा है, पांच का एक का 64 मतलब डिफरेंस 64 का है, तो चार का अगले बार में क्या बोला था वो कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस हमको पता चल गया कि 320 किलोमीटर है,
अब सुनिश्चित स्पीड करने के लिए हमको कितना है, 50 है ये, 5 घंटा 300 मिनट। क्यों 300 मिनट? क्योंकि 20 मिनट ज्यादा समय लिया और हमारे पास 320 मिनट आया उसका, तो एक्चुअल टाइम 300 मिनट था इसका मतलब, क्योंकि 320 मिनट हमारा आया था इसके अनुकूल, इसके अनुसार, लेकिन वो बोल रहा है कि 20 मिनट ज्यादा लिया था, तो एक्चुअल तो 300 मिनट है ना, तो 300 मिनट बोलो तो कितना घंटा, 5 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम जो एक्चुअल टाइम है, तो 320/5 = 64, तो ये एवरेज स्पीड हो गया या डिस्टेंस हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए 384। तो दो क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ, मतलब एवरेज स्पीड को भी ऐड करा दिया और इधर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो ये एसएससी के क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी डालते ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी जो है कुछ डिस्टेंस जो है 6 km/h से चल रहा है और बाकी जो डिस्टेंस और डेस्टिनेशन जो है 12 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, अगर 4 से जाता तो 10 मिनट लेट जाता, तो कितना से जाएगा कि टाइम पे पहुँचेगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 6:4 तो ये हो जाएगा कितना, 3:2, टाइम पलटे तो हो जाएगा 2:3, एक का डिफरेंस कितना हो रहा है, 12 और 10 22 मिनट, दोनों ऐड होगा क्योंकि एक अर्ली एक लेट है, एक का 22 मिनट हो गया, तो 2 का 44 मिनट है ना, टाइम निकल गया। तो स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए क्या करेंगे, ऑन टाइम पूछने का है ना, तो हाँ, तो ये 12 मिनट लेट हो रहा, 2 का वैल्यू है 44 मिनट है ना, तो ये वाला से ले लीजिए, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम 6:44 कर दिए, इसका ये तो रेशियो था ना, 6 एक्चुअल था, तो 6:44 ये हो गया डिस्टेंस, और बाई 55 मिनट बाई टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा। तो टाइम एक्चुअल टाइम पता करिए, अब देखिए एक्चुअल टाइम कैसे पता चलेगा, 44 मिनट जब वो जा रहा था तो 12 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब कि 44 और 12 एक्चुअल टाइम 56 मिनट है, तो एक्चुअल टाइम 56 मिनट यहाँ कर दिए, दोनों मिनट में था, इसे बदलने की जरूरत नहीं है, है ना। तो 4 से काटे 11 बार में, 4 से 14 बार में 33/7 बोले तो 4×5/7 सीधे निकल गया, समझ में आ रहा। अब देखिए सीएचएसएल का क्वेश्चन है, रवि जो है अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है साइकिल से 8:20 में, अगर वो साइकिल को 10 km/h से चलाता है तो 8 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर वो साइकिल को 16 की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो स्कूल स्टार्ट कितने बजे हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8:20 पहले समय का स्पीड का रेशियो 10:16 बोले तो 5:8 तो टाइम हो जाएगा 8:5, डिफरेंस कितना है इसका, 3। 3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना डिले किया दोनों का, इसमें एक 8 मिनट और 8 और 10 18 मिनट लेटर लिए तो ऐड हो जाएगा, है ना। देखिए तो ये हो जाएगा 18, 3 का वैल्यू है तो 6 गुना हुआ, तो 8 का वैल्यू 48 मिनट होगा। अब 48 मिनट पहले वाले केस में वो कितना लेट पहुंचा था, पहले वाले इसमें 8 मिनट लेट पहुंचा था, 8 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब कि 40 मिनट एक्चुअल टाइम है, तो 8:20 निकला तो पहुंचेगा कब, 9 बजे। समझ में आ गया, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, और बहुत आता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन।